लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री ने ये सब प्रक्रियाएं पहले क्यों नहीं की, क्यों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की पहले अनुमति नहीं हुई, क्यों वही व्यक्ति गए साथ में जिनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसका आज हमें कुछ और एडिशनल उत्तर मिला है। उस उत्तर का ये पहलू है और ये छपा है भारत में, ये छपा है फ्रांस में, कि जिस कंपनी को भारत में इस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का प्रमुख फायदा मिलने वाला है, 30,000 करोड़ मान लीजिए या उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मान लीजिए, उसने एक फिल्म प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस वक्त के राष्ट्रपति फ्रांस के उनकी पार्टनर के साथ, जिनका नाम है मिस जूली गए, यह आज सार्वजनिक रूप से प्रकाशित है। और यह हुआ फिल्म प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन 2 दिन पहले माननीय मोदी जी के MOU पे हस्ताक्षर या स्वीकृति देने के वक्त। एक व्यक्ति उद्योगपति जाता है, जाने से 10 दिन पहले एक कंपनी बनाता है, उसी उद्योगपति की एक दूसरी कंपनी एंटरटेनमेंट वाली उस देश के राष्ट्रपति की पार्टनर जूलिया गे के साथ एक करारनामा करती है फिल्म प्रोडक्शन का 2 दिन पहले, और उसके 2 दिन बाद MOU होता है राफेल का। अभी हम कितनी विचित्रताएं बताएं आपको। उसके बाद 24 जनवरी 2016 में, यानी दो तीन महीने बाद, जब प्रधानमंत्री वापस आ गए, आपको याद है रिपब्लिक डे पे उस दिन एक पूरा फंक्शन हुआ था, तो तब घोषणा होती है उस 24 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले कि वही भारतीय उद्योगपति की एंटरटेनमेंट कंपनी और मिस जूली गए की फर्म, जिसका नाम है रूज इंटरनेशनल, घोषणा करते हैं कि वो लोग दोनों एक फ्रेंच फिल्म बनाएंगे जिसका नाम है तू ला होत, फ्रेंच में प्रोनाउंस किया जाता है तू ला हो, जो रफली अंग्रेजी में कहते हैं ऑल द टॉप। अब ये सार्वजनिक रूप से मालूम है कि ये अग्रीमेंट उसी उद्योगपति की कंपनी के साथ साइन हुआ जो उद्योगपति विदेश गए उनके साथ, और जिनको बहुत बड़ा हिस्सा ऑफसेट का मिलने की घोषणा की गई है। मित्रों, इस ऑल द टॉप को आप केक के ऊपर चेरी के प्रकार मान सकते हैं। जो केक थी, जिस केक के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, काले धंधे और काले काम छुपे हैं, उस केक की चेरी ये डील भी मान सकते हैं। ये कहना कि लगभग 30,000 करोड़ का ऑफसेट और खुद उस कंपनी और उस उद्योगपति के प्रोस्पेक्टस में छपा 1,00,000 करोड़ का लाइफ साइकिल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये हम नहीं कह रहे, प्रकाशित है, 50 साल तक उन्होंने अपने घोषणा की अपने शेयर होल्डर्स को कि 50 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट 1,00,000 करोड़ की मूल्य का होगा। 12 फरवरी 2018 को रक्षा मंत्री से कहलवाया गया, और इसलिए जैसे मेरे कॉलीग जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि कई सारे ऐसे कनिष्ठ मंत्री नियुक्त हुए हैं, वरिष्ठ मंत्री नहीं, जिनसे आसान है कहलवाना। 12 फरवरी को कोट अनकोट नो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड। अब मजे की बात यही जयती जी भी कह रहे हैं कि सरकार अवार्ड नहीं करती। अरे भाई, कौन कह रहा है सरकार ने फॉर्मली अवार्ड किया है? ये तकनीकियों पे आपको बहलाया बरगलाया जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि सरकार ने अवार्ड किया है, निश्चित रूप से ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट वो विदेशी कंपनी करती है अवार्ड, लेकिन आप ये बताइए कि दसॉल कंपनी या तो पागल हो गई होगी या कुछ नई चीज़ हो गई होगी उसको, अगर वो आम दुनिया में आम तर्क पे 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट या 1,00,000 करोड़ का लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बिना सरकार के प्रोत्साहन झुकाव पुश के एक ऐसी कंपनी को देगी जो सबसे बड़ी ऋणी है भारत में करीब करीब, या सबसे बड़ी ऋणियों की सूची में है,
और बाकी बड़े बड़े उद्योगपति इस देश के, उनको कभी बात भी नहीं करेगी इसके लिए। तो ये गलत है। ये जब कहते हैं नो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड, ये तकनीकी है, ये टेक्निकलिटी है आपको डिफ्रॉड करने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने विंक एंड अ नॉड संकेतात्मक रूप से कह दिया कि भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। मिस फ्लोरेंस पर्ली जो फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद ने एक प्रकार से भारतीय रक्षा मंत्री के झूठ को पकड़ लिया। 27 अक्टूबर 2017 में जब वो फ्रांस की रक्षा मंत्री, वो भी एक महिला हैं, जब हमारी रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिली नई दिल्ली में, और उन्होंने आके खुद संयुक्त रूप से, निर्मला सीतारमण जी ने, फ्रांस की रक्षा मंत्री ने, हमारे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री फडणवीस ने, और उस उद्योगपति ने जो उस पूरे ग्रुप के हेड हैं, फाउंडेशन पत्थर, मूल जो पत्थर होता है, नागपुर में इस फैक्ट्री या इस प्रोजेक्ट का लगाया। ये बात है 27 अक्टूबर 2017 की। तो ये इतने ज़्यादा विचित्रताएं, और कहीं भी कोई झूठी चीज़ नहीं है, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कहीं भी कोई क्विड प्रो को नहीं है, ये अनायास स्वाभाविक रूप से हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग घास खाते हैं, समझती है सरकार, हम लोग सब मूर्ख हैं, समझती है सरकार, इसीलिए बार बार ऐसी चीज़ें बोलती है। ऐसी ऐसी संभावनाएं और स्वाभाविक चीज़ें अगर हो सबको, तो बहुत हर्षित होंगे सब लोग।